Good morning, students, and welcome to our Parshv International School. आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे कक्षा द्वितीय यानी सेकंड के लिए, ठीक है? हिंदी का कक्षा द्वितीय के लिए पार्ट एक उठो लाल के हमने लेसन और ये जो पार्ट है पूरा हमने पढ़ लिया था, है ना? इसकी शब्दार्थ भी कर लिए थे। अब हम करेंगे प्रश्न उत्तर। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, माँ अपने बेटे को क्या कहकर उठा रही है? माँ अपने बेटे को क्या कहकर उठा रही है? माँ अपने बेटे को लाल कहकर उठा रही है। क्या? माँ अपने बेटे को लाल कहकर उठा रही है, ठीक है? ये था क का उत्तर। अब हम करेंगे ख। ख का उत्तर, ख का प्रश्न क्या है? रात के बीत जाने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए? रात के बीत जाने पर प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए? उत्तर है इसका, रात के बीत जाने पर प्रकृति में कमल की पंखुड़ियां खिल उठी है, उन पर भंवरे झूले झूल रहे हैं, उन पर भंवरे झूले झूल रहे हैं। यहाँ पे आएगा कोमा, ठीक है? एक बार वापस, रात के बीत जाने पर प्रकृति में कमल की पंखुड़ियां खिल उठी है, उन पर भौरे झूले झूल रहे हैं, ठीक है? और प्रश्न ग है हमारा, आसमान में लाली कैसे छा गई है? आसमान में लाली कैसे छा गई है? आसमान पर अनोखी लाली छा गई है। आसमान में अनोखी लाली छा गई है, ठीक है? क्या लिखेंगे हम? आसमान में अनोखी लाली छा गई है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्रश्न घ। प्रश्न घ है, माँ अपने बेटे से उठने को क्यों कह रही है? माँ अपने बेटे से उठने को क्यों कह रही है? माँ अपने बेटे से उठने को इसलिए कह रही है क्योंकि इतना सुंदर समय सोने में व्यर्थ हो रहा है। क्योंकि इतना सुंदर समय सोने में व्यर्थ हो रहा है, ठीक है? ये थे हमारे प्रश्नोत्तर जो आपको हिंदी फर्स्ट की नोट